सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी और उसके थ्रू हम लोग अरेनियस इक्वेशन की तरफ चलेंगे जिसने एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट के बीच में रिलेशन दिया था। उसके बाद उसको हम लोग ड्राइव करेंगे, तो बड़े ध्यान से उसको देखते रहिएगा। नाउ लुक एट इट, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। सो फाइनली इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझे कैसे, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। सो उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्या करूंगा, एक हाइपोथेटिकल केमिकल रिएक्शन लूंगा, उसको ग्राफिकली और एक नॉर्मल एग्जांपल जिससे आप उसको समझ सकते हो, दोनों तरीके से समझाऊंगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले तो समझें, एक्चुअल में आपको मैंने कल भी एक एग्जांपल में लास्ट वीडियो में समझाया था कि आप जब बर्तन में दूध डाल लेते हैं, चाय पत्ती डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, पानी भी डाल देते हैं, तो उसे चाय नहीं बन जाती है। आपको क्या करना पड़ेगा, वो रिएक्टेंट सारे इकट्ठे कर लिए आपने, वो रिएक्टेंट्स हैं, अगर आपको उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे हीट करना पड़ेगा। मतलब फाइनली चाय बनने के लिए जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है वो उसको देनी पड़ेगी, तब वो जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी लेकर फाइनली उस पोजीशन पे पहुंच जाएगा जिसके बाद वो सीधे किस में कन्वर्ट हो सकता है, उबालते हो ना आप, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में पहुंच जाएगा जिसके बाद वो चाय में कन्वर्ट हो सकता है। सबको समझ में आ गया, मतलब इनिशियली आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा कि ताकि वो क्या करे, वो जो चाय बनने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी है, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, उसको वो क्रॉस कर सके। इस चीज को समझें, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे ग्राफिकली, और मैं एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे भी आपको मैं दूसरी चीज भी सिखाऊंगा, बड़े ध्यान से उसको देखते रहिएगा। देखिए ग्राफिकली किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे समझेंगे, सपोज कि यहां पर मैंने क्या किया, एक वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस यहां पर लिखा, इस तरफ मैं लिख रहा हूं रिएक्शन प्रोग्रेस, क्या लिख रहा हूं, रिएक्शन प्रोग्रेस, कि रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसे हो रही है, वो इस तरफ जाएंगे। एनर्जी को मैं लिख रहा हूं इस तरफ, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, जो शब्दों को बोलूंगा उसको आप ध्यान से समझिएगा। सो फाइनली एनर्जी इस तरफ बढ़ेगा, रिएक्शन की प्रोग्रेस इस तरफ। रिएक्शन की प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि भैया रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हो गया रिएक्शन की प्रोग्रेस हम लोग यहां से देखेंगे। तो अगर आप इस सिचुएशन पर है, इसका मतलब आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, रिएक्टेंट, यस और नो, और फाइनली आगे की तरफ प्रोसीड करते जाएंगे तो कभी ना कभी आप क्या करेंगे, रिएक्शन प्रोग्रेस में आप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्टेंट जो है फाइनली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन प्रोग्रेस का मतलब होता है ये, अगर आप इनिशियल पॉइंट पर हैं तो भाई साहब आप हैं रिएक्टेंट की तरफ, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, जब आप बर्तन में आपने दूध पानी ये सब डाला था, उसकी कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगी ना, नहीं होगी क्या, अगर किसी के पास मास है तो एनर्जी तो है ही, 25 डिग्री सेल्सियस पर है, टेम्परेचर है, तो उसके पास एनर्जी तो है ही, तो किसी रिएक्टेंट के पास कम से कम थोड़ी बहुत तो एनर्जी होती ही है। सो फाइनली हमने मान लिया कि भाई जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट था उसके पास इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑलरेडी थी, इस तरफ क्या ले रहे हैं हम लोग, एनर्जी, रिएक्टेंट के पास इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो है ही, सबको समझ में आ गया, इसको ER नाम दे देते हैं, रिएक्टेंट एनर्जी, सबको समझ में आ गया। सो फाइनली इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट के पास है, अब आपको क्या करना, जरा चेक करो चाय बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो जरा चेक करते हैं। मैं मान लेता हूं कि भाई चाय बनाने के लिए आपको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस चीज को समझिएगा, ये एनर्जी है जो कि चाय बनाने के लिए चाहिए, आपको इतना एनर्जी या इतना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा, इतनी हीट देनी पड़ेगी ताकि वो इस एनर्जी से इस एनर्जी तक पहुंच जाए, इस चीज को समझें। अब ये जो आपने ऑब्स्टेकल सामने रखा है, फाइनली इतना एनर्जी उसको चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्या बोलते हैं मैं यहां लिख देता हूं, इस ऑब्स्टेकल को हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको ईए नहीं कहते, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, बड़े ध्यान से देखिएगा मैं शब्दों को यहां पर लिख रहा हूं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को करने के लिए चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को, समझ में आ गया। सो फाइनली इस केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जैसे चाय भी बनानी है तो इतनी एनर्जी चाहिए उसको, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, क्लियर होता है। अब आप जरा सोचो आपके पास इतनी एनर्जी है और आपको जाना कितना है, आपको ये पूरी अमाउंट ऑफ एनर्जी थोड़ी चाहिए, आपके पास ऑलरेडी इतनी एनर्जी तो है ही, अब आपको कितनी एनर्जी चाहिए जरा सोचिए, मैं थोड़ा सा लाइन खींच देता हूं, जरा चेक कीजिए, आपको इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको ये अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, समझ में आ गया, जिससे आप तुरंत ही क्या हो जाओगे, एक्टिवेट हो जाओगे, या रिएक्टेंट तुरंत ही क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, क्लियर हो गया, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कोई पूछे आपसे एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, नाउ दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी, ये देखिए रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड एनर्जी जिसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, सबको समझ में आ गया, क्योंकि रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी तो इतनी है ही,
इतनी एनर्जी उसको रिक्वायर्ड है जिससे वो रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। समझ में आ गया सब लोगों को? सो फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहां से रिएक्टेंट को देते हैं एनर्जी। हमने एनर्जी दिया, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया, उसको हीट किया, एनर्जी देते रहे देते रहे देते रहे, और ये पहुंच गया जी कहां पर, एक्टिवेशन एनर्जी के लेने के बाद वो उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंच गया। क्लियर होता है सब लोगों को? फाइनली यहां पर देखो, ये आपके पास रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब फाइनली वो एनर्जी लेके कहां पर पहुंच गया, इस थ्रेशोल्ड पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब अब वो तैयार है, वो रिएक्टेंट से किसमें कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। सबको समझ में आ गया? फाइनली अब क्या करेगा वो, क्योंकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, तो देखिए यहां पर क्या करेगा वो, धीरे धीरे एनर्जी को लूज करेगा और फाइनली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ग्राफ दो तरह से बन सकता है, ये देखिए ये प्रोडक्ट बन गया, तो यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी कितनी है जरा चेक करो, ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, तो हमने लिख दिया ER। क्लियर होता है? ये रिएक्टेंट इस तरफ था, आपका प्रोडक्ट यहां पर है, सो फाइनली ये तो था आपका रिएक्टेंट, तो मैं लिख देता हूं R। अब यहां पर आपका प्रोडक्ट है, ये है आपका P, और प्रोडक्ट के पास एनर्जी कितनी है जरा चेक करो, ये टोटल एनर्जी जो आपको दिखाई दे रही है वो प्रोडक्ट की एनर्जी है EP। समझ में आ गया? सो फाइनली ये तो है तुम्हारे पास ER, रिएक्टेंट एनर्जी, ये है तुम्हारे पास प्रोडक्ट। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो यहीं रुक जाए, वो उससे नीचे भी जा सकता था, उसके बराबर भी आ सकता था। अब इसी पॉइंट को मैं समझाऊंगा, मतलब इस ग्राफ को आप बहुत तरह से प्लॉट कर सकते हो, ठीक है, तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, उनको कहते क्या वो भी आपको क्लियर करूंगा, लेकिन समझिए कि यहां पर ऐसा हुआ क्यों। जरा चेक करो, जब आप क्या करते हो, आपने बर्तन में सारी चीजें ले ली, धीरे धीरे आप क्या करते हो, स्टोव जो है उसको उसमें हीट को बढ़ा देते हो, जिससे वो धीरे धीरे उबलने लगता है, उबलते 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 बार बार, अगर जैसे जैसे आप उसको उबालते हो, फाइनली वो उस पोजीशन पे पहुंच जाता है जिससे चाय बन जाएगी। फिर आपको पता है कि मम्मा क्या करती है, कभी देखना, बर्नर को कर देती है धीरे, अब वो धीरे 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 करके क्या होगा, ठंडा। आप एकदम उकलती चाय थोड़ी पीते हो, फाइनली धीरे धीरे जो आपका रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन शुरू हुआ है, वो धीरे 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 क्या होता है, अपनी एनर्जी को डाउन करना शुरू करता है, उसके बाद चाय आपको परोसी जाती है, आपको दी जाती है। ऐसा ही यहां पर हुआ है, जरा चेक करो, रिएक्टेंट को आपने एनर्जी दी, वो फाइनली उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बन पहुंच गया जहां से आपको प्रोडक्ट मिल सकता था, फाइनली उसने प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए एनर्जी को रिलीज किया। क्लियर हो गया सब लोगों को? यहां पर वी कैन से कि यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन शुरू होगी तो एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया? सो बॉन्ड की फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है, जबकि बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी देनी पड़ती है। जरा चेक करो, यहां पर इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि आपने रिएक्टेंट को एनर्जी दी जिससे बॉन्ड टूटे, फाइनली जैसे ही बॉन्ड को फॉर्म करेगा एनर्जी को रिलीज करेगा, और मान लो कि प्रोडक्ट ने इतनी एनर्जी ही रिलीज करी। जरा चेक करो, यानी कि देने वाली एनर्जी ज्यादा है, आपने दी कितनी जरा चेक करो, यहां से लेके यहां तक के पॉइंट में आपने एनर्जी दी, रिलीज कितनी हुई, इतनी। अब इसको कैसे समझे भाई, मान लीजिए आपने 50 जूल एनर्जी दी है, लेकिन प्रोडक्ट ने रिलीज तो सिर्फ 10 ही जूल करी है। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है, ओवरऑल आपको इनपुट में एनर्जी देनी पड़ेगी हमेशा, कितने, 40 जूल। ये 10 जूल रिलीज करी वही काम आ जाएगी इसको, लेकिन फिर भी आपको 40 ऊपर से तो देनी पड़ेगी। ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। यानी कि ग्राफ दो तरह से प्लॉट हो सकता है, एक तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए जहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा होता है, और आपको पता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू होता है पॉजिटिव। अब डेल्टा एच क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसको निकालते कैसे हैं, डेल्टा एच देखो थर्मोडायनेमिक आपने सीखा होगा, उसको निकालते हैं दी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। आप खुद ही देखिए यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। और जहां डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होता है वो एंडोथर्मिक होता है। अब उसको समझने का सिंपल तरीका है, आप खुद ही सोचिए कि आपने 50 जूल इतनी तो एनर्जी दे दी उसको, 50 मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन जब प्रोडक्ट ने यहां पर बॉन्ड फॉर्म करने शुरू किए तो उसने सिर्फ 10 ही जूल एनर्जी बाहर निकाली। अब ये 10 जूल एनर्जी जो है इसको काम आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको 50 जूल चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए, तो 40 जूल आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव। सबको क्लियर हो गया? सो फाइनली डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब ये जो ग्राफ आपने प्लॉट किया है वो कैसा ग्राफ है, एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का ग्राफ है। क्लियर हो गया? उसके अंदर ये कंप्लीट यहां से यहां तक की लाइन को हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, लेकिन आपने रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी दी, ठीक है, उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, वो सिर्फ इतनी ही है। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा।
अब ये ग्राफ मतलब दो तरह से बन सकता है, एंडोथर्मिक का ग्राफ ऐसा हुआ तो फिर एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा, जरा चेक कीजिए उसको। ये देखिए यहां पर मैं एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बना रहा हूं, अगेन वही सिचुएशन लेता हूं। इस तरफ तो मैं क्या लूंगा एक्स एक्सिस पर, देखिए वाई एक्सिस पर हम लोग क्या लेते हैं एनर्जी, क्लियर हो गया, और एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए सपोज करते हैं अगेन रिएक्टेंट के हमको केमिकल रिएक्शन कराने के लिए इस ऑब्स्टेकल को क्रॉस करना है, क्लियर हो गया, और आपके पास रिएक्टेंट के पास जी इतना एनर्जी है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो यहां से लेके यहां तक का एनर्जी उसको नाम दे देते हैं ER। ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। अब आपने धीरे धीरे उसको एनर्जी देनी शुरू की, ये पहुंच गया कहां पर थ्रेशोल्ड एनर्जी के पॉइंट पर पहुंच गया, उसके बाद मतलब सारे बॉन्ड टूट चुके हैं, अब ये तैयार है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए, और जब प्रोडक्ट की फॉर्म कर रहा है फॉर्मेशन तो उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी, देखिए ये प्रोडक्ट है आपका। अब आप चेक कीजिए यहां पर ये है प्रोडक्ट की एनर्जी और ये आपका प्रोडक्ट बना है, मतलब उसने एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज कर दी है। कहने का मतलब आपने रिएक्टेंट के रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी कितनी थी मान लो 50 और उसने रिलीज कितनी कर दी 60, इसका मतलब वो 60 रिलीज कर रहा है और इसने तो 50 ही देनी पड़ी तो 10 एक्स्ट्रा हो गई ना। इसका मतलब एक ऐसी रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी आपके पास कैसी एक्सोथर्मिक, मतलब यहां से हीट बाहर निकल रही है, एक्स्ट्रा हीट और बाहर निकल रही है, इस चीज को समझें। सो फाइनली इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू, ये ऐसा ग्राफ है जो किसको शो कर रहा है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन को, इस चीज को समझें। और फाइनली इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा एच का वैल्यू आएगा नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच क्या होता है दैट इज डेल्टा एच का मतलब क्या होता है यहां लिखा है दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए, प्रोडक्ट का एनर्जी तो सिर्फ इतना ही है लेकिन रिएक्टेंट का एनर्जी तो ज्यादा है ना, तो डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है, और एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है एनर्जी केमिकल रिएक्शन में से रिलीज हो रही है, ऑब्वियसली रिलीज होगी, आपने दिया कितना 50 और निकल कितना रहा है 60। सो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कहा कि भाई यहां पर अगर रिएक्टेंट को एनर्जी देनी पड़ रही है सपोज कितनी 50 जूल, ठीक है, जिससे सारे बॉन्ड टूट जाए, वो 50 जूल एनर्जी लेके यहां तक पहुंच गया, उसके बाद जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था तो उसने 60 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, इस चीज को समझें। अब जरा सोचिए 50 जूल देनी पड़ रही है, 60 वो खुद ही रिलीज कर रहे हैं, तो आपको अब इनपुट देना पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो 60 जूल ही काम आ जाएगी, क्योंकि हमें यहां से यहां जाने में तो 50 ही चाहिए, बल्कि वो 50 से क्या कर रहा है 10 ज्यादा दे रहा है, इस चीज को समझें। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर क्योंकि ये खुद ही हीट प्रोड्यूस कर रही है तो इसको जरूरत नहीं है इनपुट एनर्जी की, 50 दे रहे हो 60 निकल रही है तो 60 में से 50 फिर से काम आ जाएगी अगले मॉलिक्यूल को यहां से यहां को दौड़ाने में, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो ऐसी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। इन शॉर्ट मैं आपको कहूं तो आपको मतलब ये निकलता है। अब जरा ध्यान से इसको चेक कीजिए, यहां से यहां तक देखिए ये तो आपका हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, जबकि यहां से लेके यहां तक की एनर्जी को क्या बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बाद आपका जो रिएक्टेंट है वो एक्टिवेट हो गया। बड़े ध्यान से इसको समझिएगा, क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ये। अब इसको इजीली कैसे समझा जा सकता है, अभी भी ग्राफ में कुछ चीजें बाकी है। ये ऐसे ग्राफ है जो कि इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए बनाए हैं, मतलब ए से सिर्फ किधर जा रहे हो बी की तरफ, ये ग्राफ आप रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए भी बना सकते हो, मतलब ए रिवर्सिबली गिविंग यू बी, मतलब ए से बी की तरफ भी जा सकते हो और बी से ए की तरफ भी जा सकते हो, उसके ग्राफ में आपको सेपरेटली समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इन ग्राफ को मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाए। यहां पर दो ग्राफ बनाए हैं, ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये एंडोथर्मिक के लिए, जबकि वो ग्राफ एक्सोथर्मिक के लिए, वापस मेंशन कर देता हूं दिस इज फॉर एंडोथर्मिक। नाउ व्हाई दिस इज एंडोथर्मिक मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्यों है ऐसा, क्योंकि एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है जी, डेल्टा एच का वैल्यू होता है पॉजिटिव, ये तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, क्लियर हो गया, नहीं पढ़ा तो आप देख लो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जबकि एक्सोथर्मिक के लिए ध्यान से देखिएगा, एक्सोथर्मिक के लिए ठीक है डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, डेल्टा एच का वैल्यू होता है नेगेटिव। अब ये डेल्टा एच निकालते कैसे, डेल्टा एच का वैल्यू निकाला जाता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी इज नथिंग बट पर मोल एनर्जी इज कॉल्ड एंथैल्पी वी कैन से, ठीक है। अब जरा ध्यान से यहां पर फोकस करो कि ये एंडोथर्मिक का है ग्राफ और वो एक्सोथर्मिक का ग्राफ है, लेकिन ये प्लॉट कैसे हुए हैं जरा उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास रिएक्टेंट है और केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन। अब उसको सिंपल एग्जाम्पल से ऐसे भी समझा जा सकता है कि सपोज आप एक देखिए यहां पर आपने हाइड्रोजन का रिएक्शन करवाया जी आयोडीन के साथ, इस चीज को समझिए,
ठीक है, होगा क्या, अब हाइड्रोजन आयोडीन के साथ नॉर्मल तो रिएक्ट करेगा नहीं, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हीट देनी पड़ेगी। जब आपने इसको हीट देना शुरू किया तो ये एक्टिवेटेड कंपाउंड बनाएगा। कैसा एक्टिवेटेड कंपाउंड, ये कुछ ऐसा, अभी तो देखो हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड है, तो एक्टिवेटेड कंपाउंड का मतलब क्या है भी, पार्शियली इनको तोड़ना पड़ेगा आपको, और इस बॉन्ड को भी पार्शियली तोड़ना पड़ेगा, फिर फाइनली इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। क्लियर होता है? तो वो टूटता कुछ यूं है, इसको यूं समझा जा सकता है कि देखिए यहां पर हुआ कुछ यूं कि ये एच और आई के बीच में इस तरह से बॉन्ड बन गया, पार्शियल, ये पूरा बॉन्ड था पार्शियली टूट गया। मतलब ये पार्शियल बॉन्ड का मतलब क्या है, जरा इसको समझे, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई रस्सी नहीं है इनके बीच में। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का पहले पूरा अट्रैक्शन इसके साथ था, फाइनली अब इसने आधा अट्रैक्शन इसके साथ रखा, आधा इंटरेक्शन उसके किसके साथ रखा, आयोडीन के साथ। इसी तरह से आयोडीन में आधा इंटरेक्शन उसने आयोडीन के साथ रखा और आधा इंटरेक्शन उसने हाइड्रोजन के साथ रखा। इस तरह से एक एक्टिवेटेड कंपाउंड बना लिया, जरा ध्यान से उसको समझें, एक्टिवेटेड कंपाउंड बना लिया यहां पर। अब होगा कुछ यूं, ये देखिए हाइड्रोजन और आयोडीन ने, ये थे दोनों आपके रिएक्टेंट, अब आपने इनको एक्टिवेशन एनर्जी दी और ये एक्टिवेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गए। अब इनका जरा ध्यान से इसको देखिएगा, चेक कीजिएगा, मतलब क्या हुआ, पार्शियली आपने बॉन्ड को तोड़ दिया, और बॉन्ड को तोड़ने में क्या लगता है, एनर्जी। तो फाइनली जब आपके रिएक्टेंट एक्टिवेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे, जितनी एनर्जी आपने सप्लाई की है। अब उसके बाद कुछ नहीं है, यहां पर होगा कुछ यूं कि इनके बीच में पूरा बॉन्ड बन जाएगा, किनके बीच में, इस एच आई के बीच में और इस एच आई के बीच में। क्लियर हो गया? सो फाइनली एच आई और एच आई के बीच में कंप्लीट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां से देखिए इस तरह से, और आपके पास क्या तैयार हो गए, 2HI फॉर्म हो गए। क्लियर हो गया? सो फाइनली ये पार्शियल बॉन्ड भी फाइनली टूट जाएंगे और इनके बीच में कंप्लीट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया? जब कंप्लीट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो फॉर्म, जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर हो गया? अब कईयों में एनर्जी कम रिलीज होती है, कईयों में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, वो डिपेंड कर रहा है बॉन्ड किसके बीच में बना है। समझ में आ गया? यहां पर हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन बॉन्ड था, यहां पर हाइड्रोजन टू आयोडीन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, तो किसी में कम एनर्जी रिलीज होगी किसी में ज्यादा। अब यहां पर क्या हुई है, एनर्जी रिएक्टेंट के केस में, यहां पर देखिए, यहां पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब हम जा रहे थे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ी, जबकि रिलीज सिर्फ इतनी हुई है। समझ में आ गया? इसका मतलब जरा चेक कीजिए, आपने 50 जूल एनर्जी तो बॉन्ड को तोड़ने में दे दी, लेकिन रिलीज हुई है सिर्फ 10 जूल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक है, क्योंकि रिलीज 10 ही जूल हुई है, वो 10 जूल अगर यहां काम लेते हो तो आपको 40 जूल का इनपुट और देना पड़ेगा अगले रिएक्टेंट को क्रॉस करवाने के लिए, या फिर अगले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाने के लिए। इस चीज को समझिए, क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली एंडोथर्मिक है, जबकि ये एक्सोथर्मिक क्यों है, ये इसलिए एक्सोथर्मिक है क्योंकि यहां पर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जब हम गए, सो फाइनली मान लीजिए कि अपने इसने 50 जूल एनर्जी गेन करी, जिसके बाद ये एक्टिवेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। सो फाइनली एक्टिवेटेड कंपाउंड से जब वो प्रोडक्ट की तरफ जा रहा था तो उसने 60 जूल के करीब एनर्जी रिलीज कर दी। अब समझिए, हमें रिएक्टेड से एक्टिवेटेड कंपाउंड में जाने में तो सिर्फ 50 ही जूल चाहिए, इसने 60 जूल एनर्जी रिलीज कर दी, तो 60 में से 50 तो फिर काम आ जाएगी। इस चीज को समझें। सो फाइनली एक और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, इसका मतलब इसको बाहर से एनर्जी की जरूरत नहीं है, तो ये खुद ही एक्सोथर्मिक है क्योंकि खुद ही एनर्जी बहुत सारी रिलीज कर रहा है। इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा एच निकालते कैसे हैं, दैट इज एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उस केस में प्रोडक्ट की एंथैल्पी बहुत कम है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो वहां पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है। तो इन ग्राफ को ऐसे समझा जा सकता है विद दिस एग्जाम्पल। क्लियर हो गया सब लोगों को? ठीक है, सो मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश करी है। अभी इन्हीं को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी बना सकते हैं, वो क्या है, और उसके बाद अब अरेनियस की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले ये ग्राफ फटाफट से अपनी कॉपी के अंदर बना लो, लिख लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी वाला जो ग्राफ था उसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी बना के देखते हैं। बहुत इजी है, सिमिलर चीजें, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल भी जा सकती है, तो वहां पर एक्टिवेशन एनर्जी दो तरह से डिफाइन होगी, फॉरवर्ड के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, एंड रिवर्स के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स। तो उसको कैसे दिखाते हैं जरा उसको ध्यान से देख लीजिए। फिर से मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, अगेन यहां पर दो तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा, कैसे कैसे जरा चेक कीजिएगा, और वहां पर मैं डेल्टा एच का वैल्यू बताऊंगा। दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, और उससे सवाल आते हैं। सबसे पहले हम लोग एंडोथर्मिक की बात करते हैं। देखिए एंडोथर्मिक अगर केमिकल रिएक्शन है तो एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या है,
पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है हमेशा किससे ज्यादा होगी, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, कह सकते हैं कि नहीं, लास्ट टाइम पे हम पढ़ के आ चुके हैं, या फिर हम लोग बोले एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मोर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एक ही बात है। ये जो एंथैल्पी है वो पर मोल एनर्जी होती है और कुछ नहीं होता। कई लोगों को डाउट रहता है एंथैल्पी क्या है, दैट इज पर मोल एनर्जी। क्लियर हो गया? यहां पर एनर्जी जो लिखते हैं वो किसी भी क्वांटिटी के लिए होती है, लेकिन यहां पर एंथैल्पी लिखते हैं वो पर मोल के लिए लिखते हैं। जनरली हम लोग मोल इस्तेमाल करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए, इसलिए हम लोग एंथैल्पी लिख देते हैं। सबसे पहले उसके लिए ग्राफ फ्लोट करते हैं। तो जरा ध्यान से इसको देखिए, सपोज ध्यान से इसको देखिएगा, सपोज कि हमने ये ले लिया है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम लोग क्या प्लॉट करने वाले हैं, एनर्जी को, जैसे कि हमने अभी किया था, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, रिएक्शन प्रोग्रेस। ध्यान से उसको देखिएगा, बहुत सिंपल है, रिएक्शन प्रोग्रेस। क्लियर हुआ? अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सबसे पहले तो हम लोग ए से बी बनाते हैं पहले, ठीक है। रिएक्शन मान लेते हैं कि हमारे पास क्या दे रखी है, ए रिवर्सिबली गिविंग यू बी। तो हमारे पास ए रिएक्टेंट है, मैं मान लेता हूं कि उसकी एनर्जी कितनी है, इतनी। तो ये हमारे पास ए है, और फाइनली इसकी एनर्जी यहां से लेके यहां तक, ये रिएक्टेंट का एनर्जी हो गया ई आर। क्लियर हुआ? हमारे पास केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कितना थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इतना। तो ये हमारे पास थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए चाहिए। क्लियर हो गया? सबसे पहले आप क्या करोगे, इस ए को एनर्जी दोगे ताकि ये ए के बीच के जो भी बॉन्ड है वो टूटे। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, और फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। सो फाइनली जरा ध्यान से उसको देखो, धीरे धीरे आपने एनर्जी दी और ये धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, ये लीजिए, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया, जिसके बाद वो आसानी से रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट में, उस पर्टिकुलर स्टेज पर पहुंच गया। क्लियर हो गया सब लोगों को? ध्यान से इसको देखिएगा। सो फाइनली ये था रिएक्टेंट का खुद का एनर्जी। तो अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब ए से बी बना रहे हैं, तो आपके पास यहां पर जो एक्टिवेटेड एनर्जी है उसको क्या नाम देंगे, ई ए एफ, फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक, जितनी दी आपने वो एक्टिवेटेड एनर्जी कहलाएगी। जबकि ये पूरी की पूरी जो लाइन दिखाई दे रही है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, इस चीज को समझें, ये कंप्लीट लाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो किसके समेशन के बराबर है, एक्टिवेशन एनर्जी प्लस रिएक्टेंट एनर्जी के बराबर है, इस चीज को समझिएगा। अब क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, इसका मतलब प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब यहां से जब वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज कर नहीं रहा है, अपने पास ही रख रहा है। ये देखिए फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? सो ये बी है, और अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट की एनर्जी बताओ, तो यहां से लेके यहां तक प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है रिएक्टेंट की एनर्जी से ज्यादा है। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब जरा चेक कीजिएगा, यहां पर ये साफ ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब डेल्टा एच का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव हो गया। चलो ए से तो बी बन गया, अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो बी से वापस ए बन सकता है। क्लियर है? अब आप एक बात बताओ, अगर मैं अब यही काम बी से ए के लिए करता तो आप ये बात बताइए, अभी तो केमिकल रिएक्शन के लिए इतना ही एनर्जी चाहिए, अगर मुझे बी से ए में जाना है तो बताओ बी को कितना एनर्जी देना पड़ेगा, सिर्फ इतना ही। सोचो ना, आप यहां पर हो, अब आपको वापस जाना है ए बनाने के लिए, तो सिर्फ आपको इतना ही चढ़ना है, ऑलरेडी आप इतने पर तो हो ही, इतना ही तो चढ़ना है आपको। सो फाइनली अगर इतनी एनर्जी अगर मैं आपको दे दूं तो आप यहां आ जाओगे, उसके बाद आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे, ए के अंदर, सही है। सो फाइनली अगर आप बैक जाना चाहते हो तो बैक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतनी है, चेक कीजिए, यहां से लेके यहां तक, मैं ऊपर बना देता हूं, यहां तक, इसको हम लोग बोलेंगे बैक एक्टिवेशन एनर्जी ई बी, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स बायस, तो ई बी बैक बोल देता हूं। क्लियर हो गया? सो ये है फॉरवर्ड के लिए, चेक कीजिए, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। क्लियर हो गया? सो फाइनली इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब कोई आपसे पूछे कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड किसे जो आपको एनर्जी दे रखी है उससे आप डेल्टा एच का वैल्यू निकालो, तो डेल्टा एच एक्चुअली है क्या, एक्चुअली डेल्टा एच का मतलब होता है कि आप क्या करो, यहां पे ईपी जो आपको दिखाई दे रही है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी, लेकिन एंथैल्पी तो आपको गिवन नहीं है, कई बार आपको क्या होता है क्वेश्चन में एक्टिवेशन एक्टिवेटेड एनर्जी दे देते हैं। क्लियर हो गया? अब आप एक बात बताइए, आप एंडोथर्मिक के केस में ध्यान से देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो फॉरवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी है ना वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इस चीज को समझें, फॉरवर्ड का जो एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, दिखाई दे रहा है? अगर कोई आपसे डेल्टा एच का वैल्यू पूछे तो आप कैसे निकालोगे, तो देखिए बहुत सिंपल है,
आपको अगर इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेटेड एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप कैसे निकालोगे? दैट इज ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। तो ये सिंपल तरीका है एक्टिवेशन एनर्जी से डेल्टा एच का वैल्यू कैलकुलेट करने का। क्लियर हो गया? अगेन एक्टिवेशन एनर्जी भी आपको पर मोल दे रखी होगी, उससे आपको डेल्टा एच कैलकुलेट करना है। तो ये फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए, तो बड़े में से छोटा घटाओगे ना, खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के देख लो, मालूम पड़ जाएगा। या फिर डेल्टा एच को क्या बोल सकते हो, ईपी माइनस ईआर। लेकिन ये है रिवर्स जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये और ये और ये, इनमें तो फर्क है ना, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। ये खुद प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये खुद रिएक्टेंट की एनर्जी है, जबकि ईएबी क्या है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी जब आप बी से कहां जाना चाहते हो, ए। ईएएफ क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी जब आप ए से कहां जाना चाहते हो, बी। अगर आपको इस रिएक्शन की डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, तो आप कैसे निकालोगे, ईएएफ माइनस ईएबी। ठीक है, फॉरवर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मच इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये हमारा एंडोथर्मिक के लिए ग्राफ हो गया। अगर ऐसे ग्राफ हमें किसके लिए बनाना हो, एक्सोथर्मिक के लिए, तो क्या करोगे? तो चलिए यहां पर मैं एक्सोथर्मिक के लिए ग्राफ बना के दिखाता हूं। तो यहां पर मैं पहले इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं, ये देखिए। अब हम किसके लिए ग्राफ लोड करेंगे, एक्सोथर्मिक के लिए। एक्सोथर्मिक के लिए अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर हो गया? सबको समझ पड़ा? अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, जरा चेक करो। इसका मतलब बड़ा साफ है कि यहां पर जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, होना चाहिए कि नहीं? ये भी पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले ही। तो चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। इस तरफ क्या लोगे आप, एनर्जी, आया ना? और इस तरफ क्या लोगे, यहां पर केमिकल रिएक्शन की प्रोग्रेस। ध्यान से इसको समझिएगा। अब फिर से उसी ग्राफ को प्लॉट करो। मान लेता हूं कि केमिकल रिएक्शन को करने के लिए इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। रिएक्टेंट के पास जी इतना एनर्जी है। क्लियर हो गया? मान लेते हैं, तो ये आपका रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट कौन है, ए। उसके पास एनर्जी है जिसको हम बोलेंगे ई आर। तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को ई आर बोल देता हूं, यहां से लेके यहां तक, ये ई आर है। अब धीरे धीरे आपने उसको एनर्जी दी, जिससे सारे बॉन्ड टूटे और फाइनली एक्टिवेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। हो गया? उसके बाद अगर ये प्रोडक्ट में जाएगा, तो धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज करेगा। मान लीजिए कि उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दी और यहां पर पहुंच गया। यह आपका प्रोडक्ट है बी, और उसके पास जो एनर्जी है उसको ईपी कहेंगे। प्रोडक्ट का एनर्जी वो सिर्फ इतना ही है। साफ ही दिखाई दे रहा है कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है। तो यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? अब जरा चेक करो, जब आप ए से बी में जा रहे थे तो आपने कितनी एनर्जी दी, जरा चेक करो। ये आपके पास हो गई फॉरवर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी, ईएएफ, जैसे कि यहां लिखा था ईएएफ। पर अब ये सोचो कि अगर वापस अगर मुझे जाना है बी से ए में, तो मुझे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, जरा चेक करो। यहां से लेके लुक एट इट, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। अगर बैक जाना है तो, यहां से मुझे बैक जाना है तो इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो फाइनली ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, सो वो कितना हुआ, यहां से लेके यहां तक। और क्लियरली यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बैकवर्ड के केस में जो एक्टिवेटेड एनर्जी है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फॉरवर्ड के केस में एक्टिवेशन एनर्जी से। साफ ही दिखाई दे रहा है। क्लियर हो गया? अब इन दिस केस अगर आपको डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालोगे, वो साफ ही दिख रहा है, फॉर्मूला वही है। लेकिन इस बार क्योंकि यहां पर डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो इस केस में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो तरीका तो वही है। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, छोटे में से बड़ा घटा दिया आपने, तो तरीका वही है। डेल्टा एच के वैल्यू इस केस में कैसे निकालोगे, एक्टिवेटेड एनर्जी इन द केस ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेटेड एनर्जी इन द केस ऑफ बैकवर्ड, और ये वैल्यू नेगेटिव आएगी क्योंकि बैकवर्ड की एनर्जी जो है फॉरवर्ड की एनर्जी से ज्यादा है। दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी नेगेटिव एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर हो गया? सो इस तरह से हम लोग ग्राफ को समझ सकते हैं। क्लियर हो गया? सो फाइनली अभी तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म हो गया है गाइस। तो मैं आपसे कहूंगा पहले इस पर्टिकुलर वीडियो को दोबारा देख लो, मैं फिर से समझा देता हूं। रिवर्सिबल का सीन कुछ ऐसा है कि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी दो है, क्योंकि यहां ए से आप बी में भी जा सकते हो, बी से ए में भी आ सकते हो। क्लियर हो गया? और ग्राफिकली इस चीज को समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है। और फाइनली ये फंडामेंटल चीजें सीखो कि डेल्टा एच का फॉर्मूला किधर से आया।
सो डेल्टा एच आपको निकालना है, तो एक्टिवेटेड एनर्जी इन फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेटेड एनर्जी इन बैकवर्ड। और एंडोथर्मिक केस में ये डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जबकि एक्सोथर्मिक केस में डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आएगा। फॉर्मूला सेम ही है, अपने आप वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी, मतलब अपने आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव में चला जाएगा, क्योंकि इनकी वैल्यूज ही ऐसे आएंगी। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखो। इसके आगे आने वाले वीडियो के अंदर हम अरेनियस की तरफ चलेंगे, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप दोबारा देख के, दो बार एटलीस्ट देख के इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझना और सीखना। ये समझ लो अगर आप, तो आसानी से इनके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो आसानी से कर पाओगे। मैं आपको इनके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगा, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप इस वीडियो को दो बार देखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, आपको होमवर्क दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको आप क्लिक करें और फटाफट से उस होमवर्क को कंप्लीट करें। वन हु इज वर्किंग हार्ड, उसको बहुत फायदा होने वाला है। और आप इस चैनल से जुड़े रहें और लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि मैं आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी खुशखबरी देने वाला हूं, लेकिन उसके लिए आपका जुड़ा रहना जरूरी है चैनल के साथ। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज, होमवर्क समय से करते रहो, और इन वीडियोज को उन बच्चों के साथ शेयर करो जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका जुड़ना इस चैनल के साथ आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद बना दूंगा, बट आपको मेरे साथ मेहनत करनी है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, आपको भी करनी है, ठीक है? सो गाइज, अगले वीडियो मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।